आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ, पर पता नहीं है कि अपना नाम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। मतलब इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मैं इनका नाम मेंशन करूँ या ना करूँ, इसलिए मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। इनकी जो स्टोरी है वो है 777 जो टेक्निक है ना, उसकी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है 777 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन मेरी कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही थी और मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। तो मैंने 777 टेक्निक की और उसके बाद में मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, अचानक ही माइंड पूरा बदल गया और मेरा मन किया कि चलो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा और पूरा दिमाग ही वहाँ लगा दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार होता है, ऐसा हो गया था मेरे सर पर कि जॉब का भूत उतर करके किसी बिजनेस का भूत लग गया था। मेरे माइंड में कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं ये सोच करके बिजनेस के बारे में सोचती। फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी चीज़ हुई कि मेरे पास में एक जॉब के लिए कॉल आ गया। 1.5 महीना मैंने सारा दिमाग अपना एक बिजनेस को खड़ा करने में लगा दिया था, जिसका कोई प्लान भी रेडी नहीं था। कपड़े के बारे में मैं लोगों से बातें करने लगी थी और इसी बीच में जॉब का कॉल आया, और ऐसी वैसी भी कोई जॉब नहीं, अच्छे खासे सैलरी पैकेज वाली, आराम से बैठ करके काम करने वाली, कम से कम काम के होने वाली ऐसी जॉब तो भाई किसी को भी नहीं मिलती होगी। लेकिन मुझे इतनी जॉब मिली, नहीं नहीं शायद मैं गलत बोल रही हूँ, हो सकता है ऐसी जॉब भी लाखों लोग कर रहे हों जिसमें काम बहुत कम हो, थोड़ा सा बस माइंड लगाना हो और आराम से आपको एक अच्छी सी जगह मिले बैठने के लिए, एसी चल रहा हो और रिलैक्स करने वाली बढ़िया सी सैलरी की जॉब आपको मिल जाए, तो फिर आपकी तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे। बस जी दीदी जैसे आप बोलते हो मेरी वैसे ही लॉटरी लग गई। मैंने जितना सोचा भी नहीं था उतनी मुझे सैलरी मिलने लगी। वो शायद बिजनेस का प्लान आना मेरे माइंड में यूनिवर्स का प्लान था जिससे कि मेरा लेट गो हो जाए, और उस प्लान के आने की वजह से बहुत ही आसानी से लेट गो हो गया और मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया। और इस बीच जितने भी मैंने रिज्यूम और जो भी बायोडाटा डाले हुए थे वहाँ पर भी 2 जगह से मुझे दोबारा भी कॉल आया था। एक्शंस मैं पहले ले चुकी थी, मैनिफेस्ट भी मैं कर चुकी थी और फाइनली अब मैनिफेस्टेशन की मिठाई और लड्डू भी मैं खा रही हूँ। आपको मैं लड्डू भेजूंगी, आप बस रेडी रहना। नहीं, आप हमें लड्डू मत भेजो, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अपने आप में बहुत बड़ा लड्डू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन कि आपको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। और आपने ना सक्सेस स्टोरी लिखी बड़े प्यार से है, बहुत ही एकदम दिल उतार दिया आपने अपने सक्सेस स्टोरी के अंदर, है ना। 777 टेक्निक जहाँ तक मैंने देखा है ना, नोटिस किया है मैंने कि बहुत ज़्यादा ये जो टेक्निक है इसकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो जॉब से रिलेटेड कुछ ज़्यादा आई हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे सोच रही थी कि मैंने बहुत सारी 777 की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसमें से जो मैक्सिमम मैंने देखी ना उसमें जॉब ही थी। इत्तफाक भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये कम टाइम लेती है और 7 डेज में ही हो जाती है, तो शायद वो जल्दी से उस चीज़ को लेकर के प्रोग्रामिंग हो जाती हो। क्योंकि मैंने जॉब के लिए ये टेक्निक नहीं की थी इसलिए मैं नहीं जानती कि ये जॉब के लिए कैसे वाला वो कर सकती है, पर जिन्होंने भी जॉब के लिए टेक्निक की है उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अगर आप भी जॉब को ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ये टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं, फुल ऑन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, लेट गो करेंगे एंड फिर देखिएगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।